YouTube के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने वादा किया था कि पल पल की जो भी अपडेट आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में एक बड़ी अपडेट आज 6 जुलाई को आ रही है। STT पटना हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ था उसमें आज क्या कुछ हुआ है ये अभ्यर्थियों का कमेंट बॉक्स से पूछना था, तो इससे रिलेटेड खबर लेकर हम हाजिर हैं इस वीडियो में। तो आज 6 जुलाई को 12:30 बजे जो था वो इसकी सुनवाई शुरू हुई केस की, और जैसा कि लिखा है कि आज हमारे अधिवक्ता ने धर्मेंद्र कुमार जो इंटरवेनर हैं उनके लोकस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कोर्ट से कहा कि इन्होंने ना अपना एडमिट कार्ड सबमिट किया है ना किसी तरह का साक्ष्य दिया है, जिससे यह लगे कि इस केस में इंटरवेनर किस हक से बन रहे हैं। तो देखिए, ये बात थी कि भाई इंटरवेनर में प्रॉब्लम थी और बिहार बोर्ड का के तरफ से जो वकील थे और जो हमारे तरफ से वकील रखे गए थे YV गिरी, और इन लोगों ने देखिए मिलके इस केस को आगे जो है पोस्टपोन कर दिया है और 15 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी। देखिए लिखा है, क्या क्या लिखा है विस्तार से समझेंगे हम। आज 6 जुलाई को जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में CWJC 6139-20 की सुनवाई हुई। आज हमारे अधिवक्ता ने धर्मेंद्र कुमार जो इंटरवेनर हैं उनके लोकस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कोर्ट से कहा कि उन्होंने ना अपना एडमिट कार्ड सबमिट किया था और ना ही किसी तरह का साक्ष्य दिया है, जिससे यह लगे कि इस केस में इंटरवेनर किस हक से बन रहे हैं। कोर्ट ने हमारे बात को स्वीकार किया और इंटरवेनर के वकील से प्रश्न किया गया। चूँकि पिछले डेट में इंटरवेनर को जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई के दौरान अलाउ कर दिया था, इसलिए आज भी उसको बरकरार रखा गया। अगली तारीख 15 जुलाई की है। एक अन्य केस के अधिवक्ता मौजूद थे लेकिन किसी भी तरह की बात नहीं रखी जा सकी। आप सभी से आग्रह है कि धैर्य बनाकर रख के निश्चित रहें। अभी तक सब कुछ हम लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है। आप लोगों का साथ और ऊपर वालों का आशीर्वाद, इन दो चीज़ों से ही हम केस जीत रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी मित्रों को मैंने आज की स्थिति के बारे में कल ही अवगत करा दिया था। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ होने वाला है उसका अपडेट कल शाम को ही पता लग गया था, और अब 15 तारीख का सभी को इंतज़ार है। और बी पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट जारी होने के 90% चांस हैं। तो सभी लोग जो है जो इस उम्मीद छोड़ चुके हैं बिल्कुल उम्मीद बना के रखें, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया का आयाम है। ठीक है, और STT से रिलेटेड किसी भी खबर के लिए आप चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए और सभी को बताइए कि क्या कुछ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।